हाय गाइस, दिस इज श्वेता जैन और आज की हम इस क्लास में पोनेकर की क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की नदियों से। ओके, ये पोनेकर ऑब्जेक्टिव बुक का सिक्स्थ चैप्टर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ब्लू कलर का पेन लेते हैं। ओके, तो मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल जलप्रपात को श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 से नवाजा गया? ठीक है, तो इतने सारे जलप्रपात दिए, चचई, स्नेह, कपिल धारा, धुआंधार, तो इसका आंसर आएगा स्नेह जलप्रपात। स्नेह जलप्रपात कहाँ पर है? ये खजुराहो में है, ये छतरपुर एरिया के अंतर्गत आता है। ओके, तो ये जो सारे जलप्रपात दिए हमको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर हैं। जैसे चचई हो गया रीवा में, कपिल धारा, दुग्धधारा किस पे बनते हैं? ये नर्मदा पे बनते हैं। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो इसका आंसर आएगा बी, प्रायद्वीपी। प्रायद्वीपी क्यों? क्योंकि ये वर्षा के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियां बहती हैं? अब एमपी में तो 5 मेन रिवर्स हैं जो बहती हैं। ओके, फिर उसकी जो है ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, तो ऐसे मिलाकर बहुत सारी नदियां हो जाती हैं एमपी में। तो ये सर्वाधिक आएगा इसका आंसर, मतलब बहुत सारी। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोष भी है? ओके, ये विद्वान टोलमी थे, इनने नर्मदा रिवर को क्या कहा था? नामोदोष भी कहा था। ओके, और इसको अपन मैकल सुता भी कहते हैं और सोमो देवी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में बहती है? तो देखो, जो नर्मदा नदी टोटल लेंथ है उसकी 1312 है, और एमपी में ये 1077 किलोमीटर बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? अपवाह क्षेत्र मतलब रिवर बेसिन कितना है इसका? ओके, सो ये आएगा 93180। टोटल इसका रिवर बेसिन, टोटल इसका एरिया, जितना ये नर्मदा नदी और इसकी सहायक नदियां जो टोटल वाटर एरिया कवर करती हैं, उसको इसका अपवाह क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है? ओके, तो नर्मदा नदी कौन कौन सा जलप्रपात बनाती है? कपिल धारा, दुग्ध धारा बनाती है, धुआंधार, सहस्त्र धारा बनाती है, मानधार और तथा दर्दी भी बनाती है। तो उपयुक्त सभी आएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नर्मदा नदी अपने उद्गम से कुछ दूरी पर कपिल धारा तथा दुग्ध धारा जलप्रपात, जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात, महेश्वर के पास सहस्त्र धारा जलप्रपात तथा हंडिया से बड़बाह के करीब मंदार तथा दर्दी जलप्रपातों का निर्माण करती है। ये एमपी के जितने इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, चंबल हो गई, नर्मदा हो गई, अपनी ताप्ती हो गई, सोन हो गई, इसके तो सारे जलप्रपात याद करने ही पड़ेंगे। नर्मदा की नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? नर्मदा की 41 आएगा, लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटीज मिला के 21 और 19 है। ओके, तो ये 41 टोटल हो जाएंगे, है ना। नर्मदा नदी इसका निर्माण करती है। नर्मदा नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, ऐश्वरी बनाती है, ऐश्वरी बनाती है नर्मदा नदी। ओके, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है? ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल से निकलती है, बैतूल। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसका बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के समीप से होता है तथा यह पश्चिम की बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। ये खंबात की खाड़ी मतलब गुजरात के अंदर जाके गिरती है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है महू से, इंदौर की जानापाव पहाड़ी से, वांचू पॉइंट से। इसको पढ़ लेना आप, चंबल नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम इंदौर के पास स्थित जानापाव नामक पहाड़ी से होता है। चंबल यमुना सहायक नदी है, जो इटावा के पास यमुना में जाके मिलती है। चंबल नदी यमुना नदी से मिलती है इटावा में, यूपी में। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम मतलब वेस्टर्न साइड। कौन सी नदी बहती है? गंगा तो नहीं बहती, गोदावरी भी नहीं बहती, नर्मदा बहती है। ठीक है, और यमुना तो किस तरफ जाती है? यमुना तो ईस्ट की तरफ जाती है। मध्य प्रदेश की नर्मदा अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा के अतिरिक्त ताप्ती, ये सब आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में मतलब ईस्टर्न साइड कौन सी नदियां गिरती हैं?
चंबला, बेतवा, महानदी, ताप्ती, अरब सागर, सॉरी अरब सागर मतलब मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई नामक से निकलती है तथा नर्मदा के समांतर ब्रंश घाटी की पश्चिम की ओर बहती अरब सागर में गिरती है। सॉरी अरब सागर जो है ना अपना इधर वेस्टर्न साइड आएगा और वे ऑफ बंगाल ईस्टर्न साइड आएगा, तो ये अरब सागर में ये गिरती है ताप्ती नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सबको मालूम है अमरकंटक। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम है? कौन सी नदियां हैं जो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे निकलती हैं? ओके, तो महू, भेड़ाघाट, अमरकंटक। अमरकंटक से आएगी। अमरकंटक से कौन सी दो नदी निकलती है? एक तो निकलती है नर्मदा, दूसरी निकलती है सोन नदी, सोन कुंड से। ओके, ये अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है और अमरकंटक से ही सोन नदी भी निकलती है, सोनकुंड से। निम्न में कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है? नर्मदा नदी के समांतर मतलब वेस्ट की तरफ कौन सी नदी बहती है? तो ये ताप्ती नदी आएगा। ओके, ये नर्मदा नदी के थोड़े से नीचे अगर अपन मैप में देखें तो ताप्ती नदी बहती है और ये भी वेस्ट की साइड ही जाती है। मध्य प्रदेश की इस नदी का जल चूलिया झरने से गिरता है। ठीक है, चूलिया जलप्रपात कौन बनाता है? चंबल नदी बनाती है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की चंबल नदी महू से निकलकर राजस्थान में कोटा संभाग में मंदसौर के भैंसा रोड के निकट 18 मीटर ऊंचाई से इसका जल चूलिया झरने से गिरता है। ओके, ये आपको याद रखना है। चूलिया जलप्रपात कौन बनाती? चंबल नदी बनाती, कोटा के पास है ये। निम्न में से सही जोड़े को छाटिए। नर्मदा अनूपपुर, ये तो सही है। चंबल शहडोल, ये गलत है। ताप्ती काकरीवाड़ी, ये भी गलत है। उपरोक्त सभी ये सही है, ऊपर का ए सही है। नर्मदा नदी अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है जबकि चंबल महू से, ताप्ती बैतूल से निकलती है, काकरीवाडी से छिप्रा नदी निकलती है ना? छिप्रा नदी का उद्गम। निम्न नदियों को उनके उद्गम स्थलों से मिलाइए। तवा, तवा, पार्वती, काली सिंध, केन। ठीक है, तो तवा नदी कहाँ से निकलेगी? तवा नदी निकलती है पचमढ़ी से, है ना? पार्वती नदी निकलती है आस्टा सीहोर जिले से। ओके, आस्टा सीहोर से। काली सिंध कहाँ से निकलेगी? काली सिंध निकलती है बागली से। फिर ये कैन कैन नदी जो है ये कहाँ से जाएगी? कैन नदी कहाँ से निकलती? कैन कटनी से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से। ओके, तवा नदी का उद्गम पचमढ़ी से, पार्वती सीहोर जिले से, ये आपको याद रखना है। काली सिंध देवास से। एक एक नदी का उद्गम स्थल, दूसरी बात वो किस नदी से मिलती है या फिर वो कहाँ गिरती है, ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। विंध्याचल पर्वत से निकलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में निम्न कथन सत्य हैं। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, सही बात है, सही है ये। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती था, ये भी सही है। बैन गंगा का उद्गम स्थल बरसवाड़ा का पठार है, ये भी सही है। पूर्णा ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है, ये भी सही है। सब तो ये आएगा ए। ओके, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है?
बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ओके सो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? कुमरा गांव आएगा। मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव विंध्याचल पर्वत से है, जबकि शिवपुरी से कोणवर्धन शिखर से वर्धा तथा लखना से गौर नदी निकलती है। ओके तो ये बेतवा नदी कहाँ से निकलेगी? कुमरा गांव से, रायसेन से निकलती है। ये आपको लखना, ये तो सब जगह के नाम दिए, बाकी वर्धा नदी, कुनो नदी हो गई, ये सब कहाँ कहाँ से निकलती है, सबके उद्गम स्थल याद करने पड़ेंगे। निम्न नदी द्वारा बनाए गए खड्ड दस्तुओं की आश्रय स्थली है, मतलब ये कौन सी नदी ऐसी है जो चोरों का स्थल है, डाकुओं का स्थल है? ओके तो ये इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। चंबल, चंबल नदी के द्वारा क्या बहुत सारे गड्ढे बनाए गए, मतलब बहुत सारे भीगड़ कह लो रहते हैं जहां पर डाकू निवास करते हैं। चंबल नदी अपने किनारे पर बड़े बड़े खड्ड निर्मित करती है जो दस्तुओं, डाकुओं के लिए आश्रय स्थली का कार्य करते हैं। विशेषकर ये नदी राज्य के मुरैना व भिंड जिलों में बृहद खाइयों का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन है, मतलब गलत कौन सा है? ठीक है, चंबल नदी की 965 किलोमीटर लंबाई, ये सही है। ताप्ती की 724 किलोमीटर है, ये भी सही है। सोन नदी की 780 है, ये भी सही है। बेतवा की 365, ये गलत है। बेतवा की कितनी है? 480 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला गलत हो जाएगा। निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, दक्षिण की ओर मतलब एमपी के नीचे कौन सी नदी जाती है? तो ये सब कौन सोचने की जरूरत ही नहीं है। बैन गंगा, बैन गंगा जाएगी। ठीक है, कुमारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कुमारी नदी शिवपुरी का पठार, मध्य प्रदेश की कुमारी नदी का उद्गम शिवपुरी का पठार है। यह सिंध की सहायक नदी है जो भिंड जिले की लहार तहसील में सिंध से मिल जाती है। सिंध की सहायक नदी है कुमारी नदी। ठीक है, सिंध सबसे पहले चंबल, अगर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, मेरी तरफ से अगर लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले चंबल आएगी, उसके बाद आएगी सिंध, फिर आएगी बेतवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों पर बसे नगरों को सुमेलित कीजिए। वैसे इससे भी क्वेश्चन तो नहीं आने चाहिए, लेकिन आए हुए हैं क्वेश्चन। ओके तो आपको जो नदी है ना उसके किनारे या उससे रिलेटेड जितने भी जगह है उसको याद करना पड़ेगा, या फिर आप एक चीज और कर सकते हो। जैसे चंबल का अपन को मालूम है कि चंबल कहाँ से इंदौर से फ्लो होते हुए ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो चंबल, चंबल का ऑप्शन क्या आ जाएगा? देखो चंबल शिवपुर, शिवपुर से तो जाएगी, ये तो बात कंफर्म है। ओके उसके बाद ताप्ती, ताप्ती नीचे की तरफ बहती है, नीचे की तरफ बहती तो नीचे कौन सी जगह, कौन सा इसमें शहर आएगा? ये आ जाएगा अपना बुरहानपुर, नीचे की तरफ है ये। ठीक है, अब क्या बचा? बेतवा और शिवना, है ना? बेतवा नदी, बेतवा, देखो बेतवा सांची आएगी क्योंकि ये रिलेटेड है इससे। ठीक है, बेतवा नदी यहीं कहीं से निकलती है ना, और शिवना मंदौर, मंदसौर के पास से निकलती, तो ये आ जाएगा था शिवना। अब देखो इसको देख लेते हैं, देखिए नर्मदा नदी बड़वानी निमाड़, नर्मदा तो बहुत सारी जगहों से निकलती है, मेरे ख्याल से अप्रोक्स 15 उससे निकलती है, 15 नगरों से निकलती है। ठीक है, डेटा को एक बार आप कंफर्म कर लेना। और फिर कौन सी? बेतवा, बेतवा विदिशा सांची बुंदेलखंड गुना ओरछा। ठीक है, ये भोपाल के पास से निकलती है बेतवा, विदिशा पास में आ गया, सांची बुंदेलखंड गुना ओरछा, भोपाल नहीं आएगा इसमें, विदिशा सांची आएगा। ओके, ताप्ती बुरहानपुर मुलताई से, मुलताई से तो निकलती है ये, है ना? बुरहानपुर क्योंकि नीचे की तरफ है मैप में, तो अपन एक अंदाजा लगा सकते हैं। और देखो चंबल ऊपर की तरफ जाती है तो श्योपुर महू रतलाम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी समूह कौन कौन सा है, कौन सा है? तो इसमें पहला है नर्मदा, चंबल, सोन, चंबल, ताप्ती, काली सिंध, नर्मदा, सोन, बेतवा, बेतवा, सोन, ताप्ती। देखो नर्मदा सबसे बड़ी नदी है, फिर चंबल है सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे सोन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये समूह सबसे ज्यादा बड़ा आएगा, इसकी लेंथ सबसे ज्यादा आएगी, तो ये इसका आई आंसर होगा, है ना, ये इसका आंसर आ होगा। सेकंड चलते हैं अपन, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सो ऑब्वियस सी बात है चचाई किस पे है, चचाई बीहड़ नदी पे, इसको बीहड़ भी बोलते हैं, बीहड़ है ना, ये कहाँ पे, रीवा में है, रीवा में बीहड़ नदी पर बनाया गया है जो प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। भालकुंड जलप्रपात यहाँ पर है, भालकुंड, भालकुंड कहाँ आएगा? तो ये आपको जलप्रपात या तो नदी की कौन सी नदी के ऊपर कौन कौन से जलप्रपात बने हुए और वो कहाँ से निकलते हैं, इस तरीके से आप याद कर लेना तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। भालकुंड जलप्रपात है ये सागर से, सागर में बनता है, ठीक है। भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिले में, जो प्रदेश की बेतवा नदी द्वारा बनाया जाता है। जैसे अब कौन कौन सी नदी है और वो कौन कौन से जलप्रपात कहाँ कहाँ पर बनाती है, अगर आप ऐसे याद कर लोगे ना तो भी आपको ये चीज याद हो जाएगी। मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? सोन नदी को, ठीक है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की अमरकंटक से उद्गमित होने वाली सोन नदी में बालू के साथ स्वर्ण के भी अंश पाए जाते हैं, अतः इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, वह इसी पर शहडोल में बाण सागर बांध बना हुआ है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज मैंने आपको 1 से लेके 30 क्वेश्चन करा दिए हैं ये नदियों के ऊपर, एमपी की नदियों के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अब कल की क्लास में, ओके बाय।